नमस्कार, आप भी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा से। जी आप सभी को बता दें, किसान आंदोलन 1 साल 13 दिन के बाद विजय हो चुका है और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, किसानों में उत्साह है। लगभग 1 साल 13 महीने के बाद जो है आंदोलन में 3 कृषि कानून और तमाम जो किसानों की मांगे थी उनको कहीं ना कहीं सरकार ने मान लिया, जिसके चलते आज स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके कारण जो है आज टोल प्लाजा सजाए गए हैं। टोल प्लाजा सजाने के साथ साथ नाचने का थिरकने के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आप सभी को बता दें, 1 साल 13 दिन के बाद जो है विजय हुई है, जिसके कारण आप सभी को बता दें वही गधोला टोल प्लाजा है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां से पक्के मकान डलने शुरू हुए थे, जहां पर जो है संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो तमाम जो है चीजें करी गई थी, और उसके बाद जो तमाम संगठन है वो तमाम संगठन आप सभी को देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से नाचते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, खुशी मनाते हुए किसान नजर आते हैं। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से महिला किसान नाचती हुई, गानों पर थिरकती हुई नजर आ रही है, जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को दिखाते हैं बुजुर्ग किसान से लेकर महिला बच्चे नाचते हुए गानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को दिखा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ किसान जो है जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं उनके साथ साथ उनकी माता, उनकी नानियां, उनकी दादियां थिरकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 1 साल 13 दिन के बाद ये जो है आंदोलन खत्म हुआ था, जिसके बाद आप सभी को बता दें कि जो जश्न है वो जश्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, नाचते हुए थिरकते हुए गानों की थाप पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आप सभी को दिखा रहे हैं कि फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और फतेह हो चुकी है। यहाँ पर जो है किसान नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें, किसान आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी, जिसके कारण 3 कृषि बिल के जो विरोध में शुरुआत हुई थी, उसके कहा गया था कि जब तक 3 कृषि बिल मोदी सरकार वापस नहीं लेती है तब तक वो अपने घरों से वापस नहीं जाएंगे। जी हाँ, वो अपने बॉर्डरों से वापस नहीं जाएंगे। और आज जो है किसानों ने उठने का फैसला ले लिया है, जिसके सानिध्य में, जिसके देखते हुए जो है आज तमाम किसान नचते हुए नजर आ रहे हैं, गाने की थापों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा से, जहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं कि हाथों में किसान आंदोलन के झंडे लेते हुए और साथ ही साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आप लोग कैमरे की स्क्रीन पर देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, और साथ ही साथ आप सभी देख सकते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं। और नजर आने के साथ साथ किस तरीके से हर किसान के घर में आज दियों की दीपावली बन रही है, लोगों का, किसानों का ये कहना है कि जिस तरीके से आज उनको जो है शांति मिल पाई है, आज उनको जो है उनका जो प्रण था वो प्रण पूरा हो पाया। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। तो आप लोग देख सकते हैं शुरू से आप रहे हैं साथ में किसान आंदोलन के, आज तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी है, लग लग बधाई है, गुरु नानक देव की बधाई है जिन्हें अपना जन्मदिन में मोदी का मनाया, मोदी का बधाया। लोग देख सकते हैं सबसे बुजुर्ग ये किसान है जो कि टोल प्लाजा पर टिके हुए थे, रातों की सर्दी हो चाहे दिन की गर्मियां हो उसमें भी टिके हुए थे। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से नाचते हुए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं तमाम किसान, और किसान के समर्थक आज खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि आज जो है उनके लिए सही मायनों में दिवाली की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से तमाम 3 कृषि बिल वापस हो चुके हैं, इसके कारण जो बताया जा रहा है कि खुशी है, जो खुशी देखते ही बन रही है। शादी उत्सव जैसा माहौल जो है आज गधोला टोल प्लाजा पर आपको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से 1 साल 13 दिन तक ये टोल प्लाजा पर जो किसान आज बैठे हुए थे, आज कहीं ना कहीं अपने घर वापसी की ओर अक्सर होते हुए नजर आएंगे। और आप सभी को बता दें कि थाल पर, थापों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, कहीं ना कहीं खुशी है, और खुशी के साथ साथ जीत का
उत्सव भी है और सबसे जरूरी गाना जो जिस तरीके से सबसे फेमस गाना चल रहा था, तो जो महिला है वो भी नाचती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आज सफल आयोजन हुआ है उसको लेकर जो है थिरकते हुए कदम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम महिलाएं जीतती हुई खुशी मनाती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा खुशी है, पूरे हिंदुस्तान में खुशी है। खुशी ऐसी है जैसे 1947 के समय आजादी के समय हुई। दिवाली से भी बढ़ के माहौल है, पूरा त्योहार मनाया जा रहा है। हमने अहंकारी को हराया है, हमने इनके अहंकार को तोड़ने का काम किया है। किसानों की ताकत है, जय जवान जय किसान, कहीं ना कहीं जय जवान और जय किसान के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे बुजुर्ग किसान है जो नाचते गाते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जज्बा सलाम है ऐसे जज्बे को, जिस तरीके से नाचते हुए थिरकते हुए तमाम किसान और किसान के नुनाई नाचते हुए डडराते हुए नजर आई है, और किस तरीके से गिद्धा पाते हुए नजर आ रहे हैं और गिद्धा के साथ साथ पंजाब की संस्कृति पंजाब की कला बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो खुशी और खुशी का जश्न, जीत का जश्न मनाते हुए तमाम किसान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए उत्साह, उत्साह हो तो इस बुजुर्ग जैसा। आप सभी को बता रहे हैं कि कितनी शिद्दत के साथ आंदोलन में अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपनी आहुतियां दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आज विजय होकर अपने घर लौट रहे हैं। और किस तरीके से आज सफल आयोजन का जो है आज आयोजन किया गया है, आज एक साल से ऊपर समय के बाद तकरीबन एक साल 15-16 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, और आश्वासन के साथ नहीं जीत के साथ, जो हमने बोला था कि जब तक कानून वापस नहीं घर वापसी नहीं, आज कानून वापस करवा के किसान आए हैं। अपने घर वापसी तभी की है जब काले कानून वापस हुए हैं, और जो अन्य किसानों की मांगे थी उन मांगों को सरकार के लेटर पैड पर मोहर मरवा कर लिया है हमारे संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने, तब आंदोलन की समाप्ति हुई है। और आज उसी के खुशी में 11 दिसंबर को ऐलान किया था संयुक्त किसान मोर्चे ने कि दिल्ली से किसान वापसी करेंगे, धरना स्थलों से किसान वापसी करेंगे। हमारा यमुनानगर का धरना मिलक माजरा टोल प्लाजा पर एक साल से चल रहा था, आज यहाँ पर हमने खुशी मनाकर माला डालकर और नाच गाना करके आज यहाँ से धरने का समापन किया। आज कितने संघर्ष करना पड़ा आपको अपनी मांगे मनवाने के लिए? 700 से जाना शहीदियाँ दी हैं हमारे किसानों ने, 2 शहीदी हमारे यमुनानगर जिले के किसानों की हुई है, एक 52 साल के थे रणदीप जी और एक रमनदीप जी से वो जो मात्र शायद 25 साल के थे, युवा साथी थे और बहुत एक्टिव साथी थे। 2 शहादतें यमुनानगर जिले की भी हुई है और 700 से ज्यादा शहादतें इस किसान इस आंदोलन में दे चुका है, और 365 से ज्यादा दिन सड़कों पर बिताए हैं। लंबे संघर्ष के बाद आज किसानों की जीत हुई है। इसका जश्न यूं ही बरकरार रहेगा। टोल प्लाजा पर आप लोग देख रहे थे नेशनल हाईवे का दृश्य, जहां पर जीत का जश्न जो है किसान और किसानों के समर्थकों के द्वारा थाप पर नाचते हुए थिरकते हुए मनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं फूलों की वर्षा के साथ खुश होते हुए किसान और उनके अनुयायी नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के प्रधान संजू गुदियाना नाचते हुए नजर आ रहे, नाचने के साथ साथ खुशी मनाते हुए नजर आ रहे। और आप देखिए किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन का झंडा हाथों में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के, क्या बात है, बहुत खूब बहुत अच्छा नजारा आप सभी को दिखते हुए। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से नाचते हुए थिरथिराते हुए तमाम अधिकारी, तमाम पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा के। जी हाँ, तो आप देख रहे थे IPN24। अब मुझसे को दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IPN24 के साथ। नमस्कार, अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।